राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर इस समय कांग्रेस ने हंगामा मचाया हुआ है। ईडी की इस कार्रवाई पर एनबी न्यूज से खास बातचीत में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जानने की कोशिश करते हैं, क्या ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उससे पूछताछ की जा रही है, लगातार 3 बार पूछताछ हो चुकी है, मगर कहीं ना कहीं ये भी सवाल में उठता हुआ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो कहीं ना कहीं ईडी के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई क्या है सर? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता कभी ईडी से सीबीआई से कभी डरे नहीं हैं, क्योंकि जब कोई गलत नहीं किया है, कोई चोरी नहीं किया है, तो डरने का सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करना चाहती है, अपने सत्ता के दम पर अपने अहंकार में जो है विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। वो चाहती है कि जो विपक्ष के जो देश के मुद्दे हैं उस देश के मुद्दे से लोगों का ध्यान कैसे हटे, इस वजह से इस तरह की कार्यवाही, बदले की कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राहुल गांधी उसका जवाब दे रहे हैं, कोई इनके पास क्वेश्चन नहीं है जो मानिए कह सके, ये केवल परेशान करने और हतोत्साहित करने के मनोबल को तोड़ने की नियत से कार्यवाही कर रहे हैं। युवाओं की बात करें तो अग्निपथ योजना को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, मगर केंद्र सरकार की तरफ से भी आज स्पष्ट कर दिया गया है कि जो लोग प्रदर्शन के अंदर शामिल होंगे युवा, उनको इसके अंदर भर्ती नहीं मिलेगी। ये तो निश्चित रूप से तानाशाही की पराकाष्ठा है। जो सरकार होती है जनतंत्र में, वो जनतंत्र के आधार पर, संविधान के आधार पर, कानून के आधार पर चलती है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैये के आधार पर, तानाशाह बन करके, तानाशाही तरीके से देश को चलाना चाहती है। और जो हमारे देश की बेरोजगारी है, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस माध्यम से उनको दबाना चाहते हैं कि माने केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, ताकि जायज़ बात आवाज़ उठाना बंद कर दें। इस वजह से डराने का प्रयास किया जा रहा है, उनका शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। प्रजातंत्र में अपनी आवाज़ उठाने का सबको अधिकार है। नौजवान भी अपने हक अधिकार की आवाज़ को उठा रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, और नौजवान के ही नहीं अन्याय हो रहा है, इस देश की सेना के साथ में, इस देश की सुरक्षा के साथ में, इस देश के स्मिता के सवाल में, के संबंध में सवाल उठ रहे हैं, जो देश के लिए घातक है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि आज तक जो व्यवस्था थी सेना में भर्ती के लिए, सेना की जो हमारी मजबूती थी, सेना ने जो आज तक हमारा काम किया है, इस तरह से आज तक संघर्ष किया है, विजय दिलाई है, उसमें कौन सी कमी है जिस कमी के कारण आज मजबूर होकर के अग्निपथ की योजना लानी पड़ी है, ये देश की जनता को बताएं। ये देश की जनता को बताना नहीं चाहते, बस माने बेरोजगारों का शोषण करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि किस तरह से सेना में भी पूंजीपतियों का कब्जा हो जाए, पूंजीपति उसका मालिक बन जाए, और जो हमारे यहाँ का नौजवान है, जो उसकी ऊर्जा है, उसके मनोबल को कमज़ोर किया जाए। अगर नौजवानों का मनोबल कमज़ोर होगा तो निश्चित रूप से हमारी सेना का मनोबल कमज़ोर होगा और हमारे देश की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह पैदा होगा। सर, यहाँ पर बात करें युवाओं की तो युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अगजनी कर रहे हैं, मगर यहाँ पर सरकार जो है वो झुकती हुई नज़र नहीं आ रही है। यही चीज़ हमें किसान आंदोलन में भी देखने को मिली थी, मगर एक साल के लंबे समय के बाद में कहीं ना कहीं सरकार ने वो किसान आंदोलन जो था उस पर रोक लगाई और उसको वापस ले लिया। मगर यहाँ पर बात करें युवाओं की तो युवा जो जिस तरीके से कह सकते हैं अग्नि जो योजना लेके आए केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ, उसको वापस करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, और यही चीज़ कांग्रेस उस टाइम पर भी मना करी गई थी। तो ये सरकार की तानाशाही की पराकाष्ठा है। प्रजातांत्रिक मुल्क की सरकार को जो है हर पहलू पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, उसको तानाशाह नहीं बनना चाहिए। और जब कोई जनतांत्रिक सरकार तानाशाह बन जाती है तो उसमें निश्चित रूप से देश का भविष्य सुरक्षित नहीं रहता है। वही मोदी जी कर रहे हैं जो देश के लिए घातक है, उनको इस पर विचार करना चाहिए, देश के हित में निर्णय लेना चाहिए। निर्णय गलत भी होते हैं, उसको माने वापस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर विचार करना चाहिए, वापस लेना चाहिए। तो ये थे लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, और यहाँ तक ये भी कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है। शायद युवा ये भी यही सोचते हैं कि केंद्र सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही है, इसीलिए जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लाया गया उससे कहीं ना कहीं युवा नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, और यही प्रदर्शन आगे आने वाले दिनों के अंदर भी शायद जारी रह सकता है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली।